सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए तो बताइए आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और सभी अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। चलिए आज फुल पावर एनर्जी के साथ सभी अपने अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए, जो कि काव्यखंड का पहला चैप्टर है जिसका हम डिस्कशन पूरा कर दिए हैं। और आज वाला वीडियो में होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 30+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछे जाएगा, इसलिए सभी अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके। चलिए बिना टाइम गंवाते हुए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और अच्छा लगे वीडियो तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए देखिए, पहला जो राम नाम बिरथु जग जन्मा, ये पोयम का नाम था, कविता का, जो लिखे गुरु नानक साहब। जो हमारा परिचय वीडियो नहीं देखे वो जाकर पहले देख लीजिए, गुरु नानक जी का जीवन परिचय, उसके बाद ये वाला ऑब्जेक्टिव कीजिएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और छूट गया तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद हम वीडियो को डिलीट कर देंगे। चलिए तो देखिए, पहला बोल रहा है नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है आप लोग को बताए थे, कहाँ बताइए आप लोग भी कहाँ अवस्थित है। तो आपका आंसर होगा कहाँ होगा, तो पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में आपका आंसर होना चाहिए, पाकिस्तान। चलिए आगे चलते हैं, नोट करते रहिए, और जिसे ये वाला पीडीएफ चाहिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ बताइए आप लोग, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था? दुर्ग मध्य प्रदेश, अमृतसर पंजाब, अयोध्या उत्तर प्रदेश, तालबंडी लाहौर। कहाँ हुआ था बताइए आप लोग, तो आपका आंसर होगा घा तालबंडी लाहौर। चलिए, वर्ण श्रम और कर्म कांड का विरोध किसने किया बताइए आप लोग, ये वाला अंडरलाइन कराए थे गुरु नानक जी, आपका आंसर होना चाहिए गुरु नानक जी। अगला, राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए फास्ट। राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया, तो आपका आंसर होना चाहिए गुरु नानक, गुरु नानक। चलिए आगे, गुरु आनंद ने नहीं, ये वाला तो दसवां पढ़ना ही नहीं है, गुरु रामदास ये सभी तो नहीं है, आपका आंसर होगा सी। चलिए आगे, तालबंडी वर्तमान में कहाँ है, चीन में, पाकिस्तान में, भारत में, अफगानिस्तान में, कहाँ है आप लोग बताइए फास्ट, कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में, जो हमारे दुश्मन माने जाते हैं। चलिए आगे, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है बताइए आप लोग, किसके बिना प्राणी की मुक्ति नहीं मिलती है, तो होगा गुरु ज्ञान के बिना, कर्म कांड के बिना, मूर्ति पूजन के बिना, चारों धाम की यात्रा के बिना, बताइए। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे हमारा वाला वीडियो से, तो आपका आंसर फास्ट आता रहेगा, आपका आंसर होगा गुरु ज्ञान के बिना। चलिए आगे देखिए, गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखी है बताइए, आपका आंसर होना चाहिए पंजाबी और हिंदी में, दोनों है, आपका आंसर होना चाहिए दोनों, तो आपका यहाँ भी ऑप्शन दिया गया गा का एवं खा दोनों, तो आपका आंसर होगा सी। चलिए आगे चलते हैं, जापुनी आसवादी बार और सोहिला किसकी रचना है, ये भी अंडर लाइन कराए थे हम लोग। चलिए बताइए आप लोग भी, गुरु नानक जी जीवन परिचय में यही पढ़ना था, जापुनी आसदी बार और सोहिला किसकी रचना है, तो गुरु नानक जी का, आपका आंसर होगा खा। चलिए आगे, गुरु नानक की मृत्यु कब हुई, कब हुई, तो आप लोग बताइए 1539 ईस्वी में, जो वाह गुरु करके मृत्यु हो गया था, वाह गुरु करके, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, आपका आंसर होना चाहिए का। चलिए देखिए, क्या कहते हुए, देखिए मिल गया, क्या कहते हुए नानक ने अपना प्राण त्याग दिया था बताइए आप लोग, बताएं अभी जस्ट, तो वाह गुरु, आपका आंसर घा। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया बताइए, पांचवा गुरु जो थे गुरु अर्जुन देव।
गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है? बताइए क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहिबा, गुरु ग्रंथ साहिबा। ये चलिए अगला, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है? बताइए आप लोग। वह डंबर यानी दिखावटी के लिए किया गया, वह डंबर मतलब होता है दिखावा, जो अंदर कुछ है बाहर कुछ है। चलिए आगे चलते, रही रस किसकी कीर्ति है? रही रस किसकी कीर्ति है, ये भी था जीवनी में। ये सभी कीर्ति जो है बहुत बार पूछा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए गुरु नानक जी। अगला चलिए देखिए, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग स्टार मारिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा, छपने वाला क्वेश्चन है ये वाला। गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। चलिए आगे चलते, सिख धर्म के पांचवें गुरु कौन हैं, कौन थे? बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए कौन थे। तो अर्जुन देव। हमारे चैनल पे पढ़िएगा तो जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछे उस तरह से हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा, एक भी क्वेश्चन छूटने का उम्मीद नहीं है। चलो देखिए, नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज़ बुलंद किया, कौन किया? तो बताइए आपका आंसर होना चाहिए गुरु नानक जी, गुरु नानक जी। आसदी बार किसकी रचना है? आसदी बार किसकी रचना है? तो गुरु नानक जी, ये भी जीवनी में था, ये वाला शायद जीवनी में नहीं था, नहीं था तो ये वाला अंडरलाइन कर लीजिए, हो सकता है आ भी सकता है। चलिए आगे देखते हैं, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा, यहाँ पंक्ति की किसने लिखे हैं? तो गुरु नानक शुरू वाला लाइन में लिखा है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा ये चैप्टर का ही नाम है। चलिए आगे, सुलक्षणी कौन थे? सुलक्षणी कौन थे? तो उनकी पत्नी, उनकी पत्नी थी, और माँ का नाम तृप्ता, तो उनका पत्नी ऑप्शन नंबर घा, गुरु नानक जी का पत्नी थे सुलक्षणी। पिता था, पिता कालूचंद खात्री और माता तृप्ता, ये सभी आया होगा। चलिए देखिए, बानी कब बीज के समान हो जाता है? बानी कब बीज के समान हो जाता है, बताइए कब हो जाती है? तो गुरु नानक आंसर, आपका आंसर होगा गुरु नानक, इनमें से कोई नहीं, डी। चलिए आगे देखते, गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिए हैं? स्त्री को, पुरुष को, कविता को, लेखन को। तो स्त्री को, इस सेकेंड पैराग्राफ में पढ़ना था स्त्री को ये वाला। चलिए, कौन पहले संत हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को विरोध में आवाज़ उठाई? तो यही थे गुरु नानक जी। चलिए आगे देखते हैं, जो नर में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? ये है सेकेंड पैराग्राफ में पढ़ना था गुरु नानक जी का, गुरु नानक जी का दो कविता है उसमें, तो इसमें सेकेंड वाला में था। गुरु नानक का कथन किस कवि से कथन से मिलती है? बताइए, कबीरदास, कबीरदास। चलिए आप लोग देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं लाइक भी कीजिए, वीडियो पसंद आए तो, और नहीं पसंद आए तो लाइक नहीं कीजिए, डिसलाइक कर दीजिए। चलिए, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? बताइए आप लोग, गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए। गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? बताए थे आप शुरू में, आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। कालूचंद खात्री, आपका आंसर होगा ए। गुरु नानक के माताजी का नाम क्या था? बताइए, तृप्ता, तृप्ति नहीं था, घा नंबर होगा, तृप्ता। चलिए अगला, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित है? पंजाबी, ये वाला हम नहीं बताए थे, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन छपने वाला है 2024 बोर्ड में। गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहा जाता है? नानकाना साहब, बहुत बार रिपीट किए थे ये वाला क्वेश्चन हमारा परिचय वीडियो में, नानकाना साहब। किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है? बताइए,
राम नाम के बिना, राम नाम के बिना। चलिए तो कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नया आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो सभी अपने अपने दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिएगा और किसी के पास नहीं भेजिएगा। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।